यर फ्रेंड्स आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ बोर्ड का दिसंबर मंथ का असाइनमेंट नंबर चार इंग्लिश का सॉल्यूशन तो आपका जो हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो सभी को सॉल्यूशन दिखा दूंगा विद आपको क्वेश्चन पेपर और इसकी पीडीएफ लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे वहाँ से आप इसके पी को भी डाउनलोड कर सकते हैं और आपको बता दूँ साथ साथ में ये वहीं पर प्ले है जिसमें हमने सभी विषय के जो है सब्जेक्ट के आंसर की प्रोवाइड कर रखी है तो आप उनको देख सकते हैं सभी असाइनमेंट के तो यहाँ पर है इंग्लिश का जो असाइनमेंट दिसंबर का तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वाई डिड स्वामीनाथन रिएक्ट एज बींग डीफ टू द क्वेश्चन दैट द हेड मास्टर वॉज पुटिंग ऑन हिम पुटिंग टू हिम ये आपका क्वेश्चन है इसका आंसर आपको यहाँ पे देना था तो इसका आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पर आंसर दिया हुआ है स्वामीनाथन वाज डीफ टू ए क्वेश्चन दैट द हेड मास्टर वॉज पुटिंग टू हिम स्वामीनाथन डिड सो बिकॉज ही डिड नॉट हैव एन आंसर ठीक है ये इसका आंसर हो गया इसके बाद में सेकेंड आप बात कर सकते हैं जो इसी का है आपका पार्ट उसकी बात कर रहे हैं वॉट वॉज द मूड ऑफ हेडमास्टर हेडमास्टर वैन ही एंटर्ड द क्लास ये आपको बताना है तो इसका सोल्यूशन देखते हैं इसका सोल्यूशन है द हेड मास्टर वॉज इन आउटरजेरियस मूड वैन ही वॉज एंटरिंग द क्लास ही हैड स्लाइटली फ्रस्टेट फ्लसिड मूड फेस एंड एमोनस लुक इन हिज आइज़ ये था इसका सोलूशन जो आपको बताना था इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका पूछा गया आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द पोएम अबाउट मी तो यहाँ पर जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं पहला इसमें पूछा गया आपसे द पोएट वांट्स टू बी जज बाई रेडी स्टॉक ऑफ तो इसका जो यहाँ पे ब्लैंक स्पेस में आंसर आ जाता वो आ जाता कंपेशन एंड केयर ठीक है ये वाला आंसर आपको लिख देना था नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका बी पार्ट उसकी बात करते हैं तो यहाँ पूछा गया पीपल कॉल्ड द स्पीकर बाय टू नेम्स दे आर तो हे यू एंड व्हाट्स योर नेम ये इसका आंसर है यहाँ पे आपको भरना था दूसरा तीसरा क्वेश्चन जो सी पार्ट है पोइट्स वान वाट्स लिटिल नोटिस टू वर्ड हिम दिस इन द पोएम जज आएगा जज वर्ड इज़ द यूज फॉर द नोटिस जज आपको यहाँ पे भरना था नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे जज लिखा भी है आंसर में इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन जो है आपको फिलअप्स करने थे तो यू डैस ओबे द लॉज ऑफ आवर कंट्री तो यू मस्ट आ जाएगा यहाँ पे वी डैस रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स तो यहाँ पे आउट टू आ जाएगा क्योंकि ये करना ही है इसलिए वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स यू डैस नेवर स्मोक तो यू शुड नेवर स्मोक इसमें आ जाएगा इसके बाद में डी ऑप्शन है जिसमें पूछा गया यू प्लीज़ हेल्प मी तो वुड यू प्लीज़ हेल्प मी ये आपका सोल्यूशन हो गया इसका इसके बाद में आपका बी पार्ट आ जाता है तो बी पार्ट की बात करें तो पीपल यहाँ पर आपका है कॉल्ड द स्पीकर बाई टू नेम्स दे आर तो ये यह, यहाँ पर ये यह दोबारा पेज आ गया है तो आपको ये पेज में ये आंसर हमने दे दिया था जज वाला भी आपका और फिल फिलअप्स के भी आपके आंसर्स जो हैं यहाँ प्रोवाइड कर दिए गए हैं ये दोबारा पेज आ गया तो आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं आगे के क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ फोर्थ जो क्वेश्चन है ये रहा आपका फोर्थ क्वेश्चन दे गो फॉर ए वॉक इन द अर्ली मॉर्निंग डेली राइट द सेंटेंस यूजिंग यूज़ टू तो दे यूज टू गो फॉर ए वॉक इन द अर्ली मॉर्निंग डेली तो ये इसका आंसर हो गया फिफ्थ है राइट एन ऐसे ऑन टॉपिक कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक तो यहाँ पर आपका पेंडेमिक जो है आपका कोविड नाइन्टीन के ऊपर लिखना है ये हमेशा आपका इस बार तो जरूर आएगा तो आपको ध्यान रखना है तो इंट्रोडक्शन आपको पहले देना है द को कोविड नाइन्टीन हैज डिमॉन्सट्रेटेड द इंटरकनेक्टेड नेचर ऑफ आवर वर्ल्ड एंड दैट नो वन इज़ सेफ अनटिल एवरी वन इज सेफ ओनली बाई एक्टिंग इन ए सॉलिडेटरी कैन कम्युनिटीज सेव लाइफ्स एंड ओवरकम द नॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द वायरस ये आपको लिख देना है इसी तरह से आपको वर्ड्स थोड़े से अच्छे लिखने हैं इम्पैक्ट ऑफ कोविड नाइन्टीन इन इंडिया एंड ग्लोबल इकनॉमी तो एज पर द ऑफिशियल गोवर्मेंट गाइडलाइंस इंडिया इज मेकिंग प्रिप्रेशन अगेंस कोविड नाइन्टीन आउट आउटब्रेक एंड अवॉइडिंग स्पेसिफिक क्राइसिस एक्शन और नोट अंडरस्टैंडिंग इट्स इम्पोर्टेंस विल हैव एक्सट्रीमली सर्व इम्प्लीकेशंस टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द डेडली वायरस द इंडियन गवर्नमेंट हैव टेकन नेसेसरी एंड स्ट्रिक मेजर्स द आउटब्रेक ऑफ सच वायरस एंड देयर ट्रांसमिशन वुड सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द इंडियन इकनॉमी तो इस तरह से आपको ये भी बता देना है इसके बाद में प्रिकॉशंस जो हैं आपको बताने हैं तो प्रिकॉशंस हैं एंड ईजी वे टू डिक्रीज इन इन्फेक्शन रेट्स इज टू अवॉइड वायरस एक्सपोजर पीपल इन इंडिया शुड अवॉइड ट्रेवलिंग टू कंट्रीज हाईली अफेक्टेड विद द वायरस प्रैक्टिस प्रॉपर हाइजीन एंड अवॉइड कंज्यूमिंग फूड दैट इज़ नॉट होम कुकड रेगुलरली वॉशिंग ऑफ हैंड्स वियरिंग मास्क सोशल डिस्टेंसिंग आर ऑल्सो सम मेजर्स टू कंट्रोल इट्स जो एक्सपेंसन इसके बाद में कंक्लूजन जो है आप उसका निकाल सकते हैं तो कंक्लूजन ई निकल जाता है आफ्टर वी ओवरकम पेंडेनेमिक वी मस्ट कैरी आउट ए कंप्रीहेंसिव इवोल्यूशन ऑफ वर्ल्ड ओबिलसिटी ओबिसिटी टू मेंटेन स्टेबिलिटी वैन फेस विद द सिमिलर चेंजेस इन द फ्यूचर वी मस्ट ऑल्सो कोप विद द कॉप विद दिस चेंजेस टुगेदर तो ये आपका एंड हो गया यहाँ पर तो असाइनमेंट का फुल सोल्यूशन है आपको मैं इसकी पी लिंक दे दूँगा आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें और सभी के आंसर्स देखने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप सब कुछ देख सकते हैं सब कुछ गिवेन है आपके लिए थैंक यू वेरी मच